नमस्कार। आज अपन बात करते हैं कि हॉटलाइन सर्विस क्या होती है। एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री आपस में हॉटलाइन पर बात करते हैं। आखिर ये हॉटलाइन होती क्या है? ये नॉर्मल फोन पर भी तो बात कर सकते हैं, नॉर्मल फोन पर बात क्यों नहीं करते? इनके स्पेशल हॉटलाइन सर्विस क्यों होती है, इसके बारे में आज अपन जानेंगे। हॉटलाइन सर्विस ये एक ऐसी सर्विस होती है जिसपे किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। तुरंत किसी से बात करनी है, कोई विशेष परिस्थिति आई है, उसके रूप में ये सर्विस यूज की जाती है। और ये कैसे काम करती है और कैसे यूज होती है, आइए देखते हैं। अपन देखिए, हॉटलाइन क्या होती है। हॉटलाइन सर्विस ये होती है यानी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का वो लिंक जिस पर कॉल ऑटोमेटिकली पहले डायरेक्टेड नंबर पर लग जाती है। मतलब ये जो हॉटलाइन सर्विस ऐसी होती है कि मतलब यूँ नहीं उनको फ़ोन मिलाओ, ये फ़ोन करो और उसको नहीं, डायरेक्ट आप फ़ोन करोगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगी और डायरेक्ट सामने जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, सामने उससे कनेक्ट होगी और डायरेक्ट वो फ़ोन उठा देगी कि हाँ हेलो क्या हुआ, क्या बात है। मतलब ये आलतू फालतू की बात नहीं करूँ, जो विशेष कोई गंभीर मुद्दा होता है, जैसे युद्ध की स्थिति हो गई, जैसे कोई महामारी की स्थिति हो गई, या कोई जैसे भूकंप हो गया या कोई आतंकवाद का हमला हो गया, तो एक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष हॉटलाइन सर्विस से बात करते हैं। वो इसी कारण से बात करते हैं कि तुरंत कॉल कनेक्ट हो जाए और कोई विशेष मुद्दा है तो डायरेक्ट बात करके हाँ हेलो क्या क्या विशेष परिस्थिति है, क्या है, इस रूप में ये काम आती है हॉटलाइन सर्विस। ये इसमें किसी कीपैड की जरूरत नहीं होती है। ये जो हॉटलाइन सर्विस जो फोन होते हैं ना, इनमें कोई कीपैड नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट राष्ट्राध्यक्षों से डायरेक्ट वो कनेक्ट होती है, डायरेक्ट फोन उठाया और डायरेक्ट कॉल चली जाएगी, इसलिए इसमें कोई डायलिंग नंबर नहीं होते। इस नंबर पर डायल की जरूरत नहीं होती है। अभी बताया मैंने कोई आपको नंबर वगैरह कोई डायल नहीं करते हैं, डायरेक्ट फोन पिकअप किया और सामने वाले के घंटी चली जाएगी। मतलब इतनी मतलब स्पेशल और फास्ट सर्विस होती है। रिसीवर पिक करते ही फोन अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत देखिए, जैसे आपने रिसीवर पिक किया और फोन कनेक्ट सामने वाले के, और सामने वाला दो या तीन, क्योंकि पहले से उनसे बात हो रखी है, सर वो राष्ट्राध्यक्ष अभी आपसे बात करेंगे, तो तुरंत जैसे ही फोन पिकअप किया घंटी गई और सामने वाला तुरंत पिकअप गए, क्योंकि आपको ही पता है कि जो एक देश के दूसरे देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप फोन लगाओ, फोन मिलाओ, हाँ वो फोन उठा रहे, फोन आ रहे, नहीं ऐसा नहीं होता। उनके टाइम तुरंत आपने फोन किया और डायरेक्ट सामने वो फोन उठा लेंगे और क्लिक बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी विशेष परिस्थिति में, विशेष गंभीर परिस्थिति में ही बात होती है तो तुरंत बात की जाती है। अब किन किन देशों के बीच में ये हॉटलाइन सर्विस है? भारत और अमेरिका के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति एक दूसरे से हॉटलाइन पर बात करते हैं। 2015 में सर्विस शुरू हुई थी। भारत पाकिस्तान, इनके बारे में तो आप जानते होंगे, विशेष रूप से जरूरत पड़ती है इनके दोनों के बीच में हॉटलाइन की। क्यों? क्योंकि 1971 में जब युद्ध हुआ तब से लेकर अभी तक अधिकतर मिलिट्री लेवल के जो अधिकारी हैं, अपने इंडिया के टॉप लेवल के मिलिट्री लेवल के अधिकारी, उनके टॉप लेवल के, पाकिस्तान के टॉप लेवल के मिलिट्री लेवल के अधिकारी अधिकतर हॉटलाइन सर्विस से बात करते हैं। और कोई विशेष परिस्थिति होती है तो भारत पाकिस्तान के पीएम आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर मिलिट्री लेवल के अधिकारी ही आपस में बात करते हैं। कोई हमला, आतंकवादी हमला होते ही रहते हैं, आपको पता है, तो हॉटलाइन पर इनकी बातचीत होती रहती है। चीन और भारत के भी हॉटलाइन सर्विस है। भारत और रूस, अभी लेटेस्ट रूस के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री से बात की थी लेटेस्ट। और अभी चीन और भारत, आपको पता है, पेंगांग झील में जो अभी वो पिछले साल शहादत हुई थी अपने फौजियों की, तब भी हॉटलाइन सर्विस पर बात हुई थी मिलिट्री लेवल के अधिकारियों से। तो ये इस चीज़ विशेष परिस्थिति में काम आता है। रूस और फ्रांस के बीच में भी हॉटलाइन सर्विस है, अमेरिका रूस के बीच में भी हॉटलाइन सर्विस है, अमेरिका और चीन के बीच में भी हॉटलाइन सर्विस है, और चीन और जापान के बीच में भी हॉटलाइन सर्विस है। तो ये हॉटलाइन सर्विस इसलिए काम आते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में किसी राष्ट्राध्यक्ष को फ़ोन करना है तो एक देश के दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आपस में विशेष किसी गंभीर परिस्थिति में बात करते हैं। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।